क्वेश्चन नाउ, फिटनेस की बात कर रहे हैं ना आप, जैसे अब बड़ी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान टीम में जब से ये लोग गए हैं, साल हो गए आप लोगों को निकले हुए, हमें छोड़े हुए, निकले हुए ठीक है जो भी, सॉरी केम आउट रॉन्ग, साल हो गया, केम आउट राइट, ओके, सो अब फिटनेस तो इंडिविजुअल है ना, अब कोचेज, अब आप फिटनेस टेस्ट हर महीने तो लेने से रहे, तो आई सपोज आप लेना पड़ेगा फिर आपको, पाकिस्तान बोर्ड को ये असेस करना पड़ेगा इनकी फिटनेस लेवल क्या है, एवरी मंथ ही शुड बी अ फिटनेस टेस्ट, आपके उसमें दौर में कब फिटनेस टेस्ट होते थे? क्वार्टरली तुम्हारी कंप्लेने आती थी, एक तो यार प्लीज पाकिस्तान से खेलना ना लड़को, या स्टॉप कंप्लेनिंग, जस्ट स्टॉप कंप्लेनिंग, गो डू योर जॉब एंड गो होम, या बी प्रोफेशनल, कंप्लेने मुझे आती थी कि पायन एक्सरसाइज बड़ी करा रहे हैं, पायन मैच वाले दिन प्रैक्टिस करा रहे हैं, पायन है कर रहे हैं। वसीम भाई सिर्फ इसलिए है कि मेरा एक फार्मूला ये था कि मैं हर वीक या दो वीक के बाद मेरी कोशिश होती थी कि इनके जो स्किन फोल्ड्स हैं और इनके जो वेट्स हैं वो ज़रूर हम देखते रहें, और वो तभी होता था जब किसी का पता चला कि दो वीक या एक वीक के अंदर पता लगा है 4 से 5 kg बढ़ गया है, या 70 से फैट लेवल 90 या 100 पे चला गया। इन 4 weeks ऐसे हुए कि हवा दो वीक में अगर आप बिरयानियां खुल के खाएंगे और रोटियां खाएंगे। ट्रैवलिंग इन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वी गेट कैन बिरयानीज। देखिए उसका कुछ हम लोग देखें पाकिस्तान टीम में फिटनेस टेस्टिंग से कुछ नहीं होना ना, अगर ना हम स्किन फॉल्ट से कुछ होना है, पाकिस्तान टीम के लड़कों की आप करेंगे तो आपको ऐसे फ्लक्चुएट होता हुआ रिजल्ट मिलेगा। सो व्हाट्स द देखिए वसीम भाई, मैं आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ग्रास रूट लेवल है ये वहाँ से चीज़ें शुरू होनी चाहिए, बेंचमार्क वो चाहे कोई भी हो, चाहे हर मैच में 100 लगाता हो, चाहे हर मैच में 5 विकेटें लेता हो, इफ़ द गाय डजंट पास द टेस्ट जो भी हो, वो चाहे आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है पाकिस्तान है, एक बात की तो मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ कि वो जो लड़के जो भी आपके पास शिकायतें आती थी ना कि ये बहुत जुल्म करते हैं टेस्टों पे और ये और वो, मैं उसको सेकंड करता हूँ, क्योंकि मैं जिन्नी वाले दिन जिम में गया और जुल्मी करता है, कोई शक नहीं, वो जुल्म अपने आप से कर रहा है, और ऐसे ऐसे ताने मार के जुल्म करता है कि ये कैसे 100 किलो लगाया हुआ है इसको, 70 किलो और ऐड करो इसके अंदर, 50 किलो और, ये 40 लैप और करो, सारे जो है ये शुरू करने पड़ेंगे, फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे, इट्स गोना टेक टाइम, जो भी हमने मिस्टेक्स किए, जो सबसे बड़ी मुझे चीज नजर आई है कि मेंटली यू गॉट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ अगर हम इस मैच की देखें, बैटिंग की या बॉलिंग की बात करें, कोई प्लान ज्यादा चेंज करने वाले नहीं थे, डिसिप्लिन, सिंपल डिसिप्लिन थे, क्योंकि पिच ऐसी थी बैटिंग में भी बॉलिंग में, सिंपल डिसिप्लिन अगर आप राइड करते तो आप विनिंग साइड पे।